बागा बीच पे नहाएंगे। अच्छा लगा, ये बीच बहुत बड़ा है गोवा का। और अस्सलाम गाइस, मेरा नाम है साहिल शेख, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साहिल शेख ब्लॉग्स। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है जिस दिन का हमको बेसब्री से इंतज़ार था, वो दिन आज आ गया है। आज जा रहे हम लोग फाइनली गोवा। मैं इतने दिन से शूट कर रहा हूँ, व्लॉग कर रहा हूँ, दो दिन में यहीं पर था। जैसे कि आप लोगों को पता है 31 को मैं आया था यहाँ पर सुबह को, और 1 तारीख को भी मैं यहीं पर था। आज है 2 तारीख, पर आज हम लोग जा रहे हैं गोवा। अभी टाइम हो रहा है सुबह के, बज रहे हैं 8, और अभी जस्ट बस आएगी। अब सब रेडी हो रहे हैं, इस वजह से सब रेडी हो जाएंगे तो बस आ जाएगी, और उसके बाद हम लोग निकलेंगे गोवा। पूरा दिन घूमेंगे और रात को आ जाएगी यहाँ पर। और कल का शेड्यूल कुछ और है, और कल शाम को ही हमारी ट्रेन है जैसे, और कल शाम को ट्रेन से जाना है घर पर। तो दादर उतर जाएगी सुबह को 5 बजे, और दादर से फिर लोकल पकड़ के जाएगी घर पर। ये सीन है पूरा शेड्यूल। और घर पर जाने के बाद मुझे एक फिर से पैकिंग करना है पूरी बैग। उसके लिए मुझे टाइम तो नहीं मिलेगा, पूरी बैग मुझे पैक करना है फटाफट, और शाम को 4 बजे तकरीबन कुछ निकलना है दूसरी ट्रिप के लिए। ये व्लॉग तो काफ़ी ज़्यादा लेट होगा क्योंकि मेरा रात में रिफाई के भी व्लॉग चल रहे हैं अभी। तो फिलहाल ये व्लॉग लेट होगा, पर आएगा ज़रूर। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज मैं इतने दिन से कुछ शूट नहीं कर रहा हूँ। 31 को मैं आया, फिर 1 तारीख को रिसेप्शन हुआ, थोड़ा सा ही शूट किया, जितना भी शूट किया आप लोगों ने देखा होगा, छोटा सा ही व्लॉग बनाया, ये सीन था। पर आज मैं पूरा डिटेल्स में व्लॉग बनाऊंगा, आप लोग बने रहना, ठीक है, ये सीन है। और यहाँ से हम लोग ने बस की है कुछ तकरीबन 7000 रुपये में, 6000 या 7000 में कुछ किए, इमरान भाई को पता है, इतना कन्फर्म मुझे पता नहीं है, ठीक है। चलो मैं रेडी हो चुका हूँ, सिर्फ शूज़ पहनना है। देखो ये चप्पल पहन के रखता हूँ, सिर्फ शूज़ पहनना है, शूज़ पहनकर ओके चलो ठीक है। तो देखो बस तो आ गई है, दिख रहा है टेम्पो ट्रैवल, ये ही रहेगा हमारे गोवा जाने की निकल है, ये रहेगा इसमें गोवा जाने वाले हम लोग सब पूरा ग्रुप। तो सब रेडी हो रहे आधे जन, और अभी टाइम हो रहा है, बज रहे 10, 8 बजे से उठाओ, रेडी होकर बैठाओ 2 घंटा। सब लेडीज़ लोग हैं ना, पता ही आप लोगों को, तो लेट होते ही उन लोग ऑफकोर्स, तो इस वजह से रुकाओ। देखो बस रेडी है, यहाँ पर आ गई है हम लोग। अगर रेडी हम लोग रेडी हो गए निकलते, अभी नाश्ता जस्ट किया और आप लोगों को पता है ये सीन था, ठीक है चलो भाई। तो देखो हम लोग फाइनली आ तो गए हैं, और ये है कलंगूट बीच। तो यहाँ पर आए, और सबसे पहले आते के साथ में मैंने कैदी देखी, तो कैदी लिया और कैदी खाया। सब लोग गोगल ले रहे, देखो यहाँ से इतनी धूप है ना ज़्यादा, ये गोगल लेना ज़रूरी है, तो सब लोग ले रहे हैं। मैं तो पहन कर आया हूँ, इस वजह से मुझे लेना नहीं है। काफ़ी ज़्यादा गोगल घर पर भी पड़े हुए हैं वैसे ही, ठीक है। और कल बीच है तो वहाँ पर जाऊँगा और वहाँ पर दिखाता हूँ। देखो ये सीन था, ठीक है चलो अभी अंदर जाऊंगा तो बता ही दूंगा। आप लोग सुन रहे हुए डीजे का आवाज़ आ रहा है वहाँ से, सॉन्ग का तो कॉपीराइट लग सकता है, इस वजह से मैं कुछ शूट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सिनेमेटिक शॉट्स में वीडियो बता रहा हूँ। देखिए बोट तो देख ही रहोगे आप लोगों ने, काफ़ी फोटोज़ गिरा चुका हूँ मैं ऑलरेडी, पर फोटोज़ तो पोस्ट नहीं करूँगा, सिर्फ वीडियो ही डालूंगा, मेरा ब्लॉग है इस वजह से। तो सब कुछ बताऊँगा ब्लॉग में, बने रहना। ये पहला ब्रिज हुआ, हम लोग काफ़ी डेस्टिनेशन घूमेंगे, सब कुछ बताऊँगा ब्लॉग में, बने रहना, ठीक है चलो निकलते अभी, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है साथ में थोड़े यहाँ पर बैठे और फोटो सेक्शन हुआ, क्योंकि पता ही आप लोगों को तो हम लोग कितनी दूर रहते हैं, हमारे पास भी समंदर है, वैसा तो वैसा सीन नहीं है कि समंदर तो है, पर इतना अच्छा नहीं है ये, बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इस वजह से देखो आए और आते के साथ में फ़ोटोशूट हुआ, और फोटोशूट होने के हमारा फ़ोटोशूट तो चलते ही रहता है, पर इसको देखो ए, ए, क्या कर रहा है मट्टी में खेल रहा हूं। चलो ठीक है, जैसे कि देखा होगा आप लोगों ने, हम लोग तो अभी बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, ये सीन है चलो ठीक है।
हम लोग तो घूमने निकले, मैं है, मेरा तोकीर है, मेरी सिस्टर है, मेरी फ्योंसी और मेरे भाईजान है, हम लोग सब घूमने निकले। ऐसे ही सब टहल रहे जैसे कि आप लोगों ने देख रहे हो यहाँ पर, और मैं फोटोशूट तो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है हमारा फोटोग्राफर तोकीर मुल्ला के साथ में, मेरे साथ में हूँ खड़ा, और फोटोशूट काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग, बने रहना ब्लॉग में। और ये पूरा जो होने वाला है ब्लॉग सिर्फ गोवा का ही रहेगा ये सीन, और ये मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, धूप चले जाती है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है चलो अब दिखाता हूँ। तो देखो अब थोड़ा टहल रहे जैसे कि मैं बता रहा हूँ आप लोग, और काफ़ी ज़्यादा नाव वाले और बोट वाले सब आके पूछ रहे, और 360 व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 360 व्यू मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, तो देखो गूगल पहनना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है कि आँखें नहीं खुल रही है, इस वजह से अभी 360 गूगल पहनता हूँ। अब 360 वीडियो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, देखो देखो एक सीन है यहाँ पे ना, कलंगुड़ बीच पे हम लोगों को नहाने का नहीं है, हम लोगों को नहाना है बागा बीच पे, तो काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। यहाँ पे सिर्फ घूमने फिरने के लिए आए हैं और बागा बीच पे नहाएंगे, तो बने रहना ब्लॉग में। और मेरे पास में वाटरप्रूफ केस भी लेकर ही आया हूँ, मेरे बैग में है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा ब्लॉग, सिर्फ गोवा का ब्लॉग रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा मजा आएगी ये सीन। ठीक है चलो सिनेमेटिक शॉट से यहाँ पर सिर्फ सिनेमेटिक शॉट देखो, फिर बागा बीच पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को नहाने की वीडियो में दिखेगी। ठीक है चलिए, एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे यहाँ पर, जो कि है यहाँ पर है ना, मिट्टी से पैर ज़्यादा गंदे नहीं होते। अभी बाहर जाऊँगा तो मिट्टी से पैर गंदे होगी बात अलग है, पर समंदर में इतनी ज़्यादा मिट्टी है, हमारे वहाँ कैसा है कि पूरी पानी में गए ना एक बार के पूरे पैर गंदे हो जाते हैं, मिट्टी काफ़ी ज़्यादा लगती है पैर में और पूरे पैर गंदे हो जाते हैं ये सीन है। और यहाँ पर इतना ज़्यादा पानी क्लियर था, क्या ही बताऊँ मैं तुमको, ऐसे कि आप लोगों ने तो देखा ही होगा। अब हम लोग चले फिर से हम लोग वहाँ पर बैठने के लिए, अब वहाँ पर बैठेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से निकल जाएंगे, थोड़ा थोड़ा ही घूमना है क्योंकि शाम तक रिटर्न होना है हमारे को, इस वजह से फिर यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे फिर हम लोग बागा बीच। बागा बीच पे भी वहाँ पर तो जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, बागा बीच पे तो जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि वहाँ पर सिर्फ स्विमिंग करेंगे हम लोग और नहाएंगे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो बने रहना ब्लॉग में। अब चप्पल पहनता हूँ और निकलता हूँ। ठीक है चलो तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग ने इंजॉय किया यहाँ पर बीच पे, और अभी जा रहे हम लोग दूसरे बीच पे, तो वह वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे, मैंने बताया आप लोगों को, वापस स्विमिंग करेंगे तो मज़ा आने वाला है। और साथ में हमारे जुड़ चुके हैं हमारे फुआ, फुआ जरा अभी आओ, और देखो हमारे फुआ आ गए, हमारे फुआ हमारे से अलग आए थे, तो फुआ का बोलवा ना, सलाम बोलो बोलो। सलाम वालेकुम भाई, हमको बहुत अच्छा लगा ये जीत बीच, और हम इधर शादी के लिए आए और बहुत ही अच्छा लगा, ये बीच बहुत बड़ा है गोवा का और बहुत ही अच्छा खूबसूरत है। बस हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, पर इंजॉय चलो ठीक है, अब जा रहे हम लोग वो वहाँ पर बीच पे, वहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा बताऊँगा। और ये मैंने सिर्फ सिनेमेटिक शॉट्स में वीडियो बताया कुछ कुछ, बाकी ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं किया था, जितना भी था मैंने जैसे कि बताया आप लोगों को। और काफ़ी ज़्यादा अगर ब्लॉग बड़ा बनता है तो मैं दो पार्ट में कन्वर्ट कर दूँगा हमेशा की तरह, ये सीन था। ठीक है चलो अब मैं रखता हूँ यहाँ पर, और अगर यहाँ पर रुके हम लोग कुछ टाइम तो मैं शूट करूँगा, वरना फिर निकल जाएगी वहाँ पर। ठीक है चलो भाई, तो देखो वो बीच पे थे और उसके बाद हम लोग आए हैं ये बीच पर, और ये बीच है बागा बीच, तो यहाँ पर आए जस्ट पार्किंग में गाड़ी लगा, देखो यहाँ पर गाड़ी लगा पार्किंग में, और अब जा रहे हैं स्विमिंग करने के लिए, नहाने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाले ब्लॉग में, बने ही रहना हो वैसे भी। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं, मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि फैमिली के साथ हूँ, फ़ोटो गिराना पड़ रहा है और काफ़ी ज़्यादा सब फ़ोटोज़ वगैरह गिरा रहा हूँ फैमिली के साथ में, कुछ फ़ोटोज़ शेयर करूँगा जो कि मेरे पर्सनली रह गए, बट मेरे तो अकेले के सिंगल गिराए नहीं हूँ, बाकी लोगों के गिराए और मेरे फुप्पा लोग के, मेरे भाई लोग के, तो सब शेयर कर सकता हूँ मैं, बट मैं मेरे फैमिली के साथ में शेयर नहीं कर सकता ये सीन है। अब हम लोग चले बागा बीच पर, तो वहाँ पर जाकर कपड़े वपड़े चेंज कर ही लेंगे, और उसके बाद जो मैंने बताया, चलो ठीक है बने रहना।
देखो यहाँ पे हम लोग ना, एक सेकंड देखो, हम लोग ने यहाँ पे चेयर ले लिए 10 जोड़े के, मतलब के 10 यानी 20 चेयर हो गई हमारी, जो आराम कुर्सी बोल सकते हैं वो ली है 20 यहाँ पे बागा बीच पे। तो यहाँ पे थोड़ा आराम कर रहे हैं जैसे कि मैंने बताया, और थोड़ा आराम कर रहे हैं बस इतना ही है। यहाँ पर नहाने वाले हैं हम लोग, ऐसा बोल रहे थे, सब कपड़े तो लेकर आए हैं, पर अभी यहाँ पर आने के बाद माइंड चेंज हो गया। जो वो वाला बीच था ना, कलंगना बीच, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पर थोड़ा मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मुझे नहीं अच्छा लगा पर्सनली, वहाँ पर ज़्यादा अच्छा था, इससे ज़्यादा अच्छा वहाँ पर था, ये सीन था। अब यहाँ पर देखते, मन तो पलट गया कि नहीं ना है, देख कर ऐसा लगा, अभी क्या ही करें। चलो के लिए जा रहे हम लोग, पर सीन ये हुआ है कि अब डिस्कस कर रहे थे कि नहाने जाना है या नहीं, ये सीन हो रहा था। पर हम लोग का तो फिक्स था कि जाना ही है नहाने के लिए, पर उन लोग का नहीं था। अब देखो, ये मैंने माइक वगैरह सब निकाल लिया हूँ गोप्रो सा, और ये है मेरे पास एक वाटरप्रूफ केस, ये गोप्रो का है, और अब इसके अंदर गोप्रो डाल दूंगा और वॉइस नहीं आएगी ऑफकोर्स, क्योंकि ये पूरा पैक रहेगा, इस वजह से थोड़ा बहुत ही भीगा होगा, ज़्यादा भीगा होगा नहीं, उसके बाद ये गोप्रो रख दूंगा, ठीक है। चलो अब नहाने चला और ये ट्रैक्स रहेगा, मेरा गोगल पहन के गया था मैं, गोगल तो घूम गया वहाँ पर ही, क्योंकि मुझे पता है, मुझे बोलते ना इतना एक्साइटेड था कि पानी में नहाने के लिए ये गोगल निकालने ही भूल गया, और डायरेक्ट जंप लगाया तो गोगल गया गया, कहीं कहाँ गया कहाँ नहीं कुछ पता नहीं, ढूंढा मैंने, ऐसा नहीं ढूंढा पर नहीं मिला, तो अभी चला कैमरा रखने के लिए कि कैमरे के साथ कुछ ना हो जाए, इस वजह से स्टार्ट में मेरा गोगल तो घूम गया, पर कैमरा अभी रख लेता हूँ, ठीक है। चलो भाई, तो देखो हम लोग नहा कर आए बागा बीच पर, और अब कपड़े चेंज करने का कोई मूड नहीं है, ऐसे ही सोच रहे कि गाड़ी में बैठे ऐसे ही और ऐसे ही चले जाए, ये सीन है। यहाँ पर कपड़े चेंज करके फिर से वहाँ पर जाकर नहाना पड़ेगा, फिर से कपड़े चेंज, उससे अच्छा है कि कपड़े चेंज किए हुए यही इस पर ही चले जाएंगे और वहाँ पर जाकर नहाएंगे और फिर फ्रेश होकर जो भी रहेगा होगा, ठीक है। तो अब ऐसे ही बैठे हुए हैं, शाम के बज रहे 6:00 कुछ 20-30 मिनट हुए होगी, ऐसे ही बैठे हुए अगर होगा तो लाइट वीट जलेगी, अगर मैं रहा तो मैं बताऊंगा, और आवाज़ बैठ चुका है मेरा यार, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हूँ, देखो फिर उसके बाद बताऊँगा।
कि इतना गए ना हम लोग, मेरा ब्लॉग करने का कुछ भी मतलब कि ताकत ही नहीं है ब्लॉग कर सकूँ, पर आप लोगों के लिए ब्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पर तो कुछ ब्लॉग नहीं किया, बस यहाँ पर ही आज कर रहा हूँ। वहाँ पर जैसे कि मैंने वेडिंग का ब्लॉग किया था, मतलब रिसेप्शन का ब्लॉग किया, थोड़ा सा ही शूट किया था, ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, पर यहाँ पर प्रॉपर ब्लॉग कर रहा हूँ मैं, ये सीन है। इसलिए मैं कर रहा हूँ ब्लॉग क्योंकि पहली बार आया हूँ गोवा, वहाँ पर कुछ था ही नहीं, जितना था मैंने बताया ब्लॉग में, और बाकी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था, इस वजह से मैं वहाँ पर कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, यहाँ पर ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे व्लॉग आप लोगों को प्रॉपर बताना है, ये सीन है। अब यहाँ पर पार्किंग में लगाया गाड़ी, पार्किंग का मैंने आप लोगों को पहले बजट बता दिया, स्टार्ट में आप लोगों को नहीं बताया पार्किंग का बजट, पर अभी बताता हूँ। यहाँ पर पार्किंग लगाया, अभी कुछ पेमेंट पे नहीं किया पार्किंग का, पर वहाँ पर जब पहले लगाया था हम लोग पहले बीच पे गए थे वहाँ पर, तो वहाँ पर पार्किंग का पैसा था 200 रुपया एक गाड़ी का, तो पार्किंग पहले गए हम लोग 200 रुपया दिया, तो वहाँ पर उन लोगों ने बोले, जो ड्राइवर थे बोलते कि 100-100 रुपये में होता है, तो वापस वो पार्किंग से निकल गए और दूसरी पार्किंग में गए, दूसरी पार्किंग में गए तो वहाँ पर भी 200 रुपया बोला, तो फिर लगा दी 200 रुपये में, ये सीन था। ठीक है, अब हम लोग देखो सब गाड़ी में बैठ रहे हैं, यहाँ पर देखो मैं भी बैठ रहा हूँ गाड़ी में, और जाके तो मुझे लगता है कि सो ही जाऊँगा, काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। ठीक है चलो भाई, और अंधेरा रहेगा, कुछ बताने नहीं रहेगा। ठीक है भाई।